आप सिक्स्थ देखो यस हाँ कितने भाई बहन थे ये बिस्तरा ध्याने को सोए है। अरे गिराना मत हड्डिया टूट जाएगी। हाँ जी तो आ गए हैं हम लोग खाना खाने, शादी का खाना लपेटने के लिए। ये है हमारी शादी का पहला लंच। मैं अगर कोई भी नहीं, सब लोग बाहर मार्केटिंग करने गए, मम्मी लोग भी आने वाले थे मेरे, रस्ते में फंसे हुए हैं क्योंकि जाम हो रहा है, तो वहाँ से भेज दो फाड़ दो, तो वो लोग आ नहीं पाए हैं और बाकी सब लोग कुछ काम कर रहे हैं कुछ काम। मतलब मैंने को हेमंत को हमने काम खाना खाते फिर आराम करेंगे क्योंकि हम सुबह से निकले हैं तो हमें थकान भी लगी हुई है। सुबह 5 बजे उठ गए थे तो थोड़ा सो जाएंगे। मम्मी लोग आ गए, मामी मामा मम्मी आ गए। ताऊ जी दीवार से लोग आई है बताओ। ये हमेशा के लास्ट टाइम में भी किया था, ये रेनू की शादी में भी यही किया था। अरे ये वापस करेंगे इसको वापस, ये तो बड़ी टेंशन है बार बार दीवार घूम, नहीं तो घूम के जाना पड़ता है। इसके बाद अभी कितने सालों बाद होएगा तो कैसे करेंगे आप? इसके बाद तो कुछ इतना घूमने से बेटर है तो ये थोड़ा बहुत खर्चा ये सही है। वही तो रेनू के टाइम में भी यही किया था। ये सही है, मैं तो घूम के हां ये रास्ता बन वही भी दूर हो जाएगा ना, सब जगह भी बेकार हो जाएगा। चलो ये भी ठीक हुआ। अच्छा अच्छा मैं बताती हूँ, वो है मामी की बेटी। अब ये है 5 बहनें, मामा की 5 बहनें हैं और क्यों नहीं नहीं अभी तो आप 3 ही हो, दो आई नहीं है, दो आई नहीं ना अभी। हाँ 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 तो मामा की बेटियों को पता ही नहीं कि बुआ कौन सी है, अब वो कंफ्यूज हो जाती की वो अपनी बुआ को नहीं जानते। हाँ जाते नहीं ना, एक मम्मी जाती है वहाँ और कौन जाते है, और ताई जी सबसे बड़ी ताई जी आती है, और गंगा ताई जी भी नहीं गई कभी। आप भी गए हो? अच्छा दो बड़ी वाली ताई जी नहीं गई है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ताई जी कौन सी बुआ कौन है, जब भी फोन आता है तो उसी पर डिस्कशन चल रहा है। कितने भाई बहन थे, कितने भाई बहन थे। अच्छा ये सब है 7 भाई बहन जिसमें 2 भाई हैं 5 बहन हैं, तो इसीलिए कंफ्यूजन हो आता है। पहले मामी मेरे को भी होता था पता है, मैं ताईजी को जानती थी पटलगांव वाली, और तीनों बहनों में कंफ्यूजन मेरे को किसका फोन आ रहा है, सबकी आवाज भी सेम, सबका मुंह भी सेम, कुछ समझ में आ रहा था कौन है। अब समझ जाती हूँ, खानदानी प्रॉब्लम है। नहीं कमला बुआ भी ऐसी लगती है, समझ जाता है कि कमला बुआ। हाँ वो थोड़ा ज्यादा मोटी है, सब लोगों से सबसे ज्यादा हेल्दी वही है ना उन सब बहनों में से। आप पहचान ले कौन सी बुआ क्या है। चल अब फोटो खींचती हूँ। ये जम गई है यहाँ पर महफिल, अभी तक ये सब लोग नीचे बैठे हुए थे। अब ये देखो इसको देखो, आप आ रहे हो ब्लॉग में, हाय तो बोलो। अरे और अब ये लोग सब आ गए छत में, आपको स्टार बना देगी लड़की। कह रहे हैं आपको स्टार बना देंगे, ब्लॉग बना रही हूँ ना। अच्छा, वीडियो अच्छा, अच्छा, हाँ तो है एडिटिंग रात को जब तक मिल जाए। और अब इन लोगों ने हाय हाय बोलो, मैं रूडी हूँ हाय है। लाइट लाइट कम हो रही है यहाँ पर, मैं वीडियो बना रही हूँ ताई जी तो। अच्छा कर दो, अब करो डांस करो। अभी तक तुम लोग सब लो क्या ढोलकी चिमटा लेके, आप तो ऑलरेडी तैयार हो गए बेटा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अरे ढोलकी वोलकी तो लाओ, ढोलकी नहीं नहीं यहाँ पे करो ताई जी, नीचे करो ऊपर नहीं, नीचे चलना है। चलो अभी नीचे चलो, इन दोनों का नहीं हो रहा, ये भाभी दे भाभी ननद का बस हो गया बस खत्म। चलो चलो नीचे चलेंगे, चलो चलो पार्टी करेंगे। यहाँ तो आज किसी की पार्टी होने वाली है, पूरा वो बिछा हुआ है कालीन वगैरह। हमारी 6 तारीख को सही ले क्या है? नहीं हाँ तो कैमरे चीन लो, छोड़ा चालू हो गया।
छोड़ा गाओ कह रही है वो जाओ छोड़ा कर रहे हैं हेमंत तुम भी जाओ ना छोड़ा कर रहे हैं चलो चलो कहो ना छोड़ा मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ करो चलो मामा जाओ पकड़ो बढ़िया बढ़िया कर रहे हो पहले हम दिख रहे चलो 3 2 1 चलो अरे गिराना मत खर्चा टूट जाएगी अरे वहाँ चालू हो रहे अब दोनों हस्बैंड वाइफ का मामा मामा पक्का छोड़ देंगे आराम से चलो नींबू हो रहा है संतरा भी हो रहा था उसमें संतरा संतरा नहीं नींबू संतरा बंद खा लिया ये देखो अलग अलग लोग अलग अलग तरह के कार्यक्रम करते हुए सब अलग अलग कामों में लगे हैं कोई फोन में कोई इंटरटेन होने सब में एंजॉय कर ये देखो गाइस कल हल्दी का जो स्टेज है तैयार हो गया ये सारे वो डाल दिए ये कल जहाँ पर हल्दी होगी और ये दोनों बिचारी भाभी ने ना तो कोई नहीं मिला साथ में अकेले डांस कर रही है अकेले छोड़ा गा रही है अकेले कीर्तन भजन करने बैठ गई है यही होता है कुछ कुछ का यहाँ पर इन लोगों की आज पार्टियां खत्म नहीं हो रहे कहाँ गए मेरे पतिदेव कहाँ गए पतिदेव कहाँ वो भी भाग गया तुम तक मनी वॉशरूम में भी नहीं जीने देती अरे भाई तुम्हारा चश्मा ना हो गया क्या हो गया व्लॉग बनाओ अंदर आके मजाक कर रही यार मैं कह रही हूँ मामी इतना अच्छा ढोलक बजा रही है ना वहाँ पे मामी आ जाओ ताई जी आप भी आ जाओ बेचारी मेरी मामी को सुबह ऐसे किचन में लगा रखा है लगी हुई है बर्तन धो रही है चाय बना रही है पानी सर्व कर रही है मेहमान आ रहे हैं सुबह से आई है कुछ यहाँ हैं कुछ उधर हैं कुछ उधर हैं कुछ कहीं और चले गए हैं और पर कुछ हल्दी तो सिरे सब लोग आज आ गए हैं और ये हमारे अच्छा मैं सच बता रही क्यों सोया है पर ये बिस्तर आने को सोया है कह रहे हैं मुझे फटाफट खा लेते हैं फिर बिस्तर हाथी आएंगे शादी के घर में होता है ना बिस्तर हाथी आने का भीड़ बहुत हो गई है तो वो कह रहा है मासी फटाफट खा लेते ना बिस्तर हाथी आओगे मैंने कहा इस बिस्तर को तू पकड़ो और ये हिस्सा मेरे को दे देना तब तक मेरे इसको रिजर्व करके रखो फिर भी आएंगे बेटा सबका सामान ही पड़ा सबकी अटीजा देखो यहाँ चाहो तो अटीजा टीजा हो रही है सब यही पड़ी हुई है अब तो भाई मैं बैठ पा चुका हूँ अब कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ तो कोई सोगा ना जवाई है तुम्हारे साथ मामा सो सकते हैं लेकिन मामा सो बड़ा दरोजा मैं सो रहा हूँ भावना किसी और के साथ सो जाएगी मामा को तो सुला दूंगा यहाँ पर
है बीवी को छोड़ दो क्या है मामा के लिए यहाँ सोंगी मैं यहाँ तुम सो गए दोनों के बीच में इतना प्यार हो गया आज अपने मामा से ठीक है बेटा मामा ही खाना भी खिलाएंगे भी कैसे तुमको गुड नाइट कर दिया सब लोग मतलब काम वाम करने आ रही मेरे को ना तैजी ने काम दिया हुआ है कि जितने भी गेस्ट आ रहे हैं सबको चाय पानी वगैरह का सब मेरे को करना है तो मेरे को मेहमान आए खाना वाना हमने खा लिया रात के 9 बज रहे हैं सुबह बहुत सारे फंक्शन साथ में हल्दी है गणेश पूजा है फिर सगाई है फिर कॉकटेल है उसके बाद मेहंदी भी रात को तो इसीलिए भी टाइम पर सो जाएंगे सुबह और टाइम पर उठ जाएंगे क्योंकि आज सुबह भी आपको पता है कि हम 5 बजे उठ गए थे और तब से हम सोए नहीं और हेमंत सो गया था सुबह बट दिन में सॉरी बट मैं नहीं सोई थी और काम वाम लगे थे भाई छोटे मोटे से तो यहीं पर ब्लॉग एंड करती हूं गाइस कल को मिलती हूं आप लोगों तब तक के लिए बाय बाय गाइस टेक केयर।